वृद्ध किसान की हत्या के मामले में दो लोगों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में खेत की रखवाली करते समय वृद्ध किसान की हत्या के मामले में आरोपित दो रिश्तेदारों पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि एकोना थाना क्षेत्र के ग्राम दीन नामगढ़ चमारापुरवा निवासी 60 वर्षीय मिठूलाल गौतम पुत्र बैजनाथ गुरुवार शाम को बेटे के साथ खेत में गन्ने की फसल की रखवाली करने गया था। कुछ देर खेत में रहने के बाद बेटा भोजन करने घर चला आया। घर आकर बेटे ने भोजन किया। इसके बाद पिता मिठूलाल के लिए भोजन लेकर खेत गया और भोजन देकर घर वापस चला आया। इधर मिठूलाल भोजन करने के बाद खेत में ही सो गया। रात में किसी ने धारदार हथियार से किसान के गले पर वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में ही गन्ने की पत्तियों के नीचे छिपा दिया। सुबह भाई जय जय राम खेत पहुंचा तो मिठूलाल खेत में नहीं मिला। आसपास नजर दौड़ाई तो वहां भी कहीं मिठूलाल दिखाई नहीं दिया। इस बीच जय जय राम की नजर खेत में लगे गन्ने की पत्तियों के ढेर पर पड़ी जो पहले से ही ढकी हुई थी। पास जाकर पत्तियां हटाई तो वहां मिठूलाल का शव बरामद हुआ। जय जय राम ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और सभी रोते बिलखते खेत में पहुंच गए। देखते ही देखते खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की ओर से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इकोना सीओ संतोष कुमार प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस ने एसपी को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और माँ व बेटे से पूछताछ की। साथ ही पुलिस को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल कर जांच पड़ताल की और साक्ष्य संकलन किया। इसके बाद पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मृतक की पत्नी सीता रानी ने एकोना थाने में नामजद तहरीर देकर अपने बेटे के ससुर व साले पर आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी ने दिए तहरीर में बताया कि उसके रिश्तेदार पुत्तीलाल पुत्र रामफेरन संधि उसका पुत्र शिव कुमार पुत्र पुत्तीलाल निवासी मदनगर मनोहरपुर से उसके पति का काफी दिन पहले विवाद हुआ था जिसके बाद वो अक्सर विवाद करता रहता था। उसे शक था कि मृतक मिठूलाल अपने जमीन बेचकर सारा पैसा अपनी पुत्रियों में बांट देगा जिसको लेकर कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। मृतक की पत्नी ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं बाप बेटों ने मिलकर उसके पति की निर्मम हत्या की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है साथ ही आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है। मृतक किसान की पत्नी का आरोप है कि उसके संबंधी अक्सर उसके पति से लड़ाई झगड़ा किया करते थे और फिर उसे जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि उन्हीं बाप बेटों ने मिलकर उसके पति की निर्मम हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल को आगे और तेजी से बढ़ा दिया है। आखिरी बार ये रात को घर बजे घर का चले आया तो लड़को हमारे चलावा नहीं थे यहाँ तब गाय छुटाई गई हमारा तब तो हरान हुआ घर से हरान कि भैया चले जाओ गवा बंधा मैं घर गए गवा बंधाई तब खाना प्यार हो फिर भैया पप्पा ना आया तो कहीं पप्पा कहीं कि तब खाना नहीं ले खा लेबे तब लड़कवा खाई तो कहीं खड़को लेते चलावा चलावा तब आवा यहाँ देखी कि पप्पा ना आई फिर उसके पप्पा कहाँ तब कहीं मैदान करी थे तो कहीं खाना लाना खा लो तो कहीं चीज धर दो भाई खाई था अब उतने बीच में धर के ऐसे लगे घर का। यहाँ पूरे दिन नामगढ़ में एक बुजुर्ग की लाश खेतों में पड़ी हुई है, गर्दन कटी हुई लग रही है। थाना इकोना अंतर्गत ये गांव पड़ता है पूरे दिन नामगढ़ चमारनपुरवा में। यहाँ पे हम लोग को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी यहाँ खेत में पड़ी हुई है। सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी सीओ एडिशनल एसपी मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है तो वहाँ पे एक लगभग 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं जिनका नाम मिठू लाल है। इनकी डेड बॉडी है और इनके गले में कट का निशान भी है। फॉरेंसिक टीम हमारी आ चुकी है, इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं और जल्दी तहरीर लेके इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मालीराम पासवान क्या हुआ है आपके गांव में? मर्डर हो गया है। किसका? मिठूलाल। इनकी उम्र क्या है? लगभग 55-60 साल। इनके पिताजी का नाम? बैजनाथ। क्या कर रहे थे यहाँ खेत में? यहाँ जो है खेत खेत की रखवाली कर रहे थे। क्या पता लगा कब आए थे घर से? ये तो हम भी अभी जानकारी मुझे हुई है। कैसे हुआ है कत्ल, कैसे हुआ है वही जानकारी हमें कुछ नहीं है। जैसे अभी हम जानकारी आधा घंटा पहले जानकारी हुई अभी जो है पुलिस को सूचना दी जी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।